हाँ तो बच्चों बताइएगा, आवाज क्लियर आ रही है? एक बार रेज योर हैंड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके चलिए, तो अब मैं क्या बता रहा था आपको कि अपने पास क्या है, अपने पास है, हमने तीन चीज देखा। एक देखा क्या, वर्क फंक्शन, दूसरा देखा थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, और तीसरा क्या देखा, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, वर्क फंक्शन को फाई से डिनोट कर रहे थे, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से डिनोट कर रहे थे, और थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ को लैम्डा नॉट से डिनोट कर रहे थे। इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको नोट लिखा रहा था, उस नोट को लिख लीजिए। नोट लिखिएगा, नोट, वर्क फंक्शन कॉमा थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ, एंड थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ ऑल आर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ऑल आर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये किसके प्रॉपर्टी होते हैं बच्चों? तो ये सभी प्रॉपर्टी मेटल के होते हैं, उस मटेरियल के प्रॉपर्टी होते हैं जिसपे अपने को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फॉर्म करना होता है। ठीक है, नहीं तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज प्रॉपर्टी ऑफ, ऑप्शन दे देगा लाइट या फोटोन, ऑप्शन में दूसरा रहेगा मेटल, ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है क्या उस मटेरियल के प्रॉपर्टी है जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने को कैरी आउट करना है। ये लाइट का प्रॉपर्टी नहीं है, लाइट का तो अपना जो फ्रिक्वेंसी है वो है, हो सकता है कि उस फ्रिक्वेंसी में पर्टिकुलर किसी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाए और दूसरे एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हो पाए। जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो पाएगा उसमें हम क्या बोलेंगे, उसमें बोलेंगे कि इसका जो फ्रिक्वेंसी है इसके थ्रेशहोल्ड से ज्यादा होगा। जिसमें नहीं हो पाएगा उसमें बोलेंगे उसका जो फ्रिक्वेंसी है उसके थ्रेशहोल्ड से कम होगा। अब देखिए, अब मैं आपको क्या बताया, मैं आपको बताया कि फाई क्या है, फाई इनर्जी है। कौन सा इनर्जी है? तो फाई दैट मिनिमम इनर्जी है जिसपे इंसिडेंट, फाई इज दैट मिनिमम इनर्जी जिसपे इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो सकता है, और जिस फ्रीक्वेंसी से ये इमिशन होता है उसको हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जिस वेवलेंथ से ये इमिशन होता है उसको हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो आप देखिए अपना ये रिलेशन यहाँ पे आ गया, फाई इक्वल्स टू एच न्यू नॉट इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा नॉट। अब इसमें देखो क्या ध्यान रखना है, मैं आपको डेफिनेशन में क्या बताया था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ में क्या लिखा था, मैक्सिमम वेवलेंथ। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि आप देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को लगातार आप बढ़ाते जाइएगा तो इनर्जी जो है वो फाई से ज्यादा होता जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक रिलेशन लिखा, फाई इक्वल्स टू एच इंटू न्यू नॉट, ये रिलेशन मैं लिखा। अब फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को मैं लगातार इंक्रीज करते जाऊंगा तो वर्क फंक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। एंड वर्क फंक्शन तो मिनिमम इनर्जी था जिसपे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाए, अगर उससे ज्यादा हम इनर्जी कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली बाहर निकलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं मिनिमम मिनिमम फ्रिक्वेंसी। एक सर्टेन लिमिट से अगर कम फ्रिक्वेंसी हो जाएगा, एक सर्टेन लिमिट से कम फ्रिक्वेंसी हो जाएगा तो ये जो इनर्जी होगा ना, ये इनर्जी ये वर्क फंक्शन से कम हो जाएगा, और जब इनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए फॉर थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी वर्ड मिनिमम इज डिफाइंड। एंड इसी के अनुसार वेवलेंथ के केस में बात करेंगे तो वेवलेंथ उसके इनवर्स में चल रहा है, तो एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा वेवलेंथ हो जाएगा तो ये इनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो जाएगा, वर्क फंक्शन से कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। इसलिए इन केस ऑफ वेवलेंथ वर्ड मैक्सिमम इज डिफाइंड। एवरीवन, हाँ या ना, रेज योर हैंड अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, अगर क्लियर है तो रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बहुत अच्छा। देखो सही बच्चों क्या करो, सही बच्चे रेस्पॉन्ड किया करें। ठीक है, तो अभी देखो, अभी हमने क्या क्या देख लिया, अभी हमने देख लिया वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट को। तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, एक कैथोड लगाया गया, एक एनोड लगाया गया, इधर एक बैटरी लगाया गया। कैसा बैटरी है, दिस इज बैटरी ऑफ वेरिएबल वोल्टेज, इसके वोल्टेज को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। एक गैल्वेनोमीटर को भी हमने कनेक्ट किया, और इस वाले कैथोड पे हमने क्या किया, कैथोड पे हमने फोटोन को गिराया है या लाइट को यहाँ पे फॉल कराया है। लाइट कैसा फॉल कराया है, तो जो लाइट हमने फॉल कराया है उसका फ्रीक्वेंसी जो है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, दैट इज ग्रेटर देन थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ ऑफ, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कैथोड। ठीक है, तो अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी गिराया है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। ये देखिए, ये सभी जो है, ये सभी क्या है, ये सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकले हैं।
अब इलेक्ट्रॉन का जब इमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड से कैथोड तक जाएंगे और करंट का जनरेशन यहाँ पे होता है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है, दैट शोज प्रेजेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ तक सबको क्लियर है? लेकिन अब देखिए क्या, अब अपने को देखना है क्या, डिफरेंट बिहेवियर देखना है कि फ्रीक्वेंसी के साथ करंट पे क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे और क्या क्या टर्म होते हैं। इसमें एक दो पॉइंट अभी लिखिए, पहले इसमें लिखिएगा नोट, लिखिएगा एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लिखिएगा, when light of sufficient frequency was incident on cathode, when light of sufficient frequency was incident on cathode, deflection was noticed in galvanometer. Deflection was noticed in galvanometer. This shows presence of current. This shows presence of current in our circuit. When light of sufficient frequency was incident on metal plate, when light of sufficient frequency was incident on metal plate or cathode, then deflection was noticed in galvanometer. Then deflection was noticed in galvanometer. This shows presence of current in circuit. This current is called photocurrent. इनका भी नॉइज़ जा रहा है, काइंडली खुद को म्यूट कर दे। This current is called photocurrent. अब चलो देखो बच्चा लोग, अब हम लोग देखेंगे कि फोटोकरेंट का क्या बिहेवियर होता है अप्लाइड पोटेंशियल। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाइड कर रहे हैं, ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं इसके साथ फोटो करंट कैसे वेरी करता है ये हम देखेंगे। तो देखिए, हमने कुछ ना कुछ यहाँ पे इंसिडेंट, एक मिनट रुकिए, हाँ तो देखिए यहाँ पे बच्चों हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने इस वाले कैथोड पे जब लाइट पुट किया तो इसका कुछ ना कुछ अपना वर्क फंक्शन होगा। मान लेते हैं कैथोड का वर्क फंक्शन कितना था, कैथोड का वर्क फंक्शन था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमने जो इस पे लाइट पुट किया है उसका जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ दैट लाइट इज मान लेते हैं कितना, 7 या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी किसका है, फोटोन का है, और इसका वर्क फंक्शन कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो डेफिनेटली हम जो एनर्जी इसमें इंसिडेंट कर रहे हैं दैट एनर्जी इज मोर देन इट्स वर्क फंक्शन, और अगर एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। अब जो अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको आइंस्टीन का इसके बारे में क्या क्या मानना था, तो आइंस्टीन ने एक पॉइंट बताया था क्या, कि जो भी हम एनर्जी सप्लाई करते हैं ना वो दो पार्ट में यूज होता है। एक्चुअली उन्होंने 3 पार्ट बताया था, फिलहाल आप 2 पार्ट में समझिए, जो भी हम एनर्जी सप्लाई करते हैं वो 2 पार्ट में यूज होता है। पार्ट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू या यूज टू ब्रेक बॉन्ड एंड मेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम सरफेस, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, एंड रिमेनिंग एनर्जी इज यूज्ड इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
रिमेनिंग एनर्जी इज यूज इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी जो भी फोटोन का एनर्जी था बच्चों, जो भी फोटोन का एनर्जी था उसमें से कुछ पार्ट वर्क फंक्शन की तरह यूज हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट किसके तरह, काइनेटिक एनर्जी की तरह यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अपने फोटोन का एनर्जी कितना है, फोटोन का एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वर्क फंक्शन कितना है, तो वर्क फंक्शन तो 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो लग जाएगा बॉन्ड को तोड़ने में, एंड रिमेनिंग कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा। क्या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काइनेटिक एनर्जी सभी इलेक्ट्रॉन के पास होगा, आंसर इज नो, दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड एनी इलेक्ट्रॉन कैन हैव। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एनी इलेक्ट्रॉन कैन हैव, यानी जो इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां से बाहर निकलेंगे हो सकता है उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काइनेटिक एनर्जी हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काइनेटिक एनर्जी हो सकता है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काइनेटिक एनर्जी हो, या हो सकता है उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं हो, वो बस निकल गए बाहर, ठीक है, ओके। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकलेंगे, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी रहेंगे। अब देखिए जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसके पास तो अपने पास एनर्जी है, वो तो बोला कि आई हैव सफिशियंट एनर्जी, आई डोंट नीड एनी वन सपोर्ट टू मूव ऑन, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए मुझे किसी भी अदर पर्सन के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और वो खुद के एनर्जी से यहां पहुंच जाएगा, और जैसे ही वो यहां से यहां जाएगा तो क्या करेगा, वो करंट में कंट्रीब्यूट करेगा। तो जब इस वाले पोटेंशियल को हम जीरो रखे हैं, जब ये वाला पोटेंशियल कितना है, जीरो है, उस टाइम भी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां पहुंच रहा है, करंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। साथ ही साथ कुछ ऐसे फोटोन, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जिसके पास कुछ ना कुछ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है, ये लोग भी यहां से यहां इजीली पहुंच जाएंगे क्योंकि इनके पास क्या है, सफिशियंट एनर्जी है और करंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी फोटोन, ऐसे भी इलेक्ट्रॉन इमिट हुए थे जिनके पास अपना कुछ भी एनर्जी नहीं था, जस्ट वो निकल गए थे सरफेस से और यहीं पे रेस्ट किए थे। जब यहीं पे ये रेस्ट में थे तो इनके पास अपना एनर्जी तो है नहीं और यहाँ हम पोटेंशियल नहीं अप्लाई किए हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फिलहाल यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहा है ये वाला। तो जब जीरो वोल्ट का पोटेंशियल है बच्चों, देखो ये पोटेंशियल है, जब जीरो वोल्ट का पोटेंशियल है तो अपने को ये करंट मिला। ये करंट क्यों मिला, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अभी भी पहुंच रहे थे कैथोड से एनोड के पास। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया और यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया। तो जिनके पास एनर्जी था वो सभी यहाँ से यहाँ पहुंच रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे फोटोन भी थे, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन भी थे जिनके पास कुछ भी एनर्जी नहीं था, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन। अब आप खुद सोचिए, इसके पास अपना कुछ भी एनर्जी नहीं है, लेकिन इसके पास चार्ज कैसा है, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव प्लेट है तो नेगेटिव वाला नेगेटिव को इधर धक्का देगा, और ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये इसको अपने पास बुलाएगा, यानी जो यहाँ पे रुका हुआ था अब थोड़ा सा पोटेंशियल लगाने के बाद वो भी यहाँ से यहाँ इजिली पहुंच रहा है, इसलिए करंट का वैल्यू क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, जैसे ही हमने पोटेंशियल को क्या किया, इंक्रीज किया। तो थोड़ा सा भी आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज कीजिए, आपका करंट का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। और धीरे 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 एक ऐसा टाइम आएगा जब जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहे थे सभी के सभी यहाँ पे पहुंच जाएंगे, और जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे उस टाइम पे जो करंट होगा बच्चों वो कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद आप कितना भी इस वाले पोटेंशियल को इंक्रीज करते रहिए उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहे थे सभी के सभी अब एनोड के पास पहुंच रहे हैं, और सिंस सभी के सभी अब एनोड के पास पहुंच रहे हैं इसलिए करंट का वैल्यू अब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर यहाँ से आपको करंट के वैल्यू को इंक्रीज करना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप और ज्यादा अमाउंट में लाइट यहाँ पुट कीजिए, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स को क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए, क्योंकि क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन को बाहर कौन निकाल रहा था, इलेक्ट्रॉन को फोटोन आकर के बाहर निकाल रहा था। तो अगर नंबर ऑफ फोटोन को हम बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं उनका भी काउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और करंट इंक्रीज हो सकता है। बट इन दिस सिचुएशन हमने इंटेंसिटी कांस्टेंट रखा है, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखा है मतलब नंबर ऑफ फोटोन को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, इसलिए थोड़ी देर के बाद करंट का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, एंड इस कांस्टेंट करंट को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट। सही बच्चे बताएंगे कि यहां से लेकर के यहां तक सब किसी को ये ग्राफ समझ में आया क्या, जब जीरो पोटेंशियल था तो करंट का वैल्यू थोड़ा कम था, जैसे हमने पोटेंशियल बढ़ाया थोड़ा सा करंट बढ़ा, उसके बाद करंट कांस्टेंट हो गया, इसको सैचुरेशन करंट बोले। सही बच्चे बताएंगे, अगर यहां तक आपको क्लियर है तो रेज योर हैंड, अगर यहां तक कुछ भी डाउट है डिस्कस कर लीजिए। वेरी गुड, आउट ऑफ 18 ओनली 5-6 बच्चे ही
हैंड रेज कर रहे हैं, बाकी सही भी बताएं जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर किसी को डाउट है तो वो खुद को अनम्यूट करके डाउट पूछ सकता है, डिस्कस कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके चलिए, ये हो गया। अब एक बार बच्चों ये हो गया तो हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो सैचुरेशन करंट को अचीव कर लिया। अब हम चलते हैं कहां पे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब हम बैटरी के पोलरिटी को रिवर्स कर देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इधर वाले प्लेट को पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए हैं, और इधर वाले प्लेट को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए हैं। यानी अब हमने वोल्टेज को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। जब बच्चों हमने वोल्टेज को रिवर्स किया तो क्या हुआ, इसके पास एनर्जी था ये पहुंच रहा था, इसके पास एनर्जी था ये पहुंच रहा था, इसके पास एनर्जी था ये पहुंच रहा था, इसके पास एनर्जी था तो जीरो वोल्ट पे ये नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन अब हमने रिवर्स में मान लीजिए 0.5 वोल्ट का रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, 0.5 वोल्ट का, तो ये तो नहीं जा पा रहा था। अब सिंस ये प्लस हो गया है तो कुछ इलेक्ट्रॉन जिसके पास 0.5 वोल्ट का एनर्जी है उसको ये वाला प्लेट क्या करेगा, ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये इसको अपने पास बुलाएगा, तू इधर आ, और ये पॉजिटिव इसके पास ये क्या है, ये नेगेटिव हो गया, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों में रिपल्सन होगा, तो ये इसको बोलेगा तू उधर ही रह। ठीक है, तो जो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे जिनके पास अपना थोड़ा सा एनर्जी था, अब वो भी क्या हो रहे हैं, अब वो भी यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो धीरे धीरे करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, करंट का वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा है। और जैसे जैसे हम रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करते जाएंगे करंट का वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो वो पोटेंशियल जिस पे करंट का वैल्यू जीरो हो जाता है उसको बच्चों हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें थे, एक क्या था सैचुरेशन करंट, दूसरा क्या था स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट स्टॉपिंग दैट रिवर्स पोटेंशियल एट विच फोटो करंट बिकम्स जीरो, दैट रिवर्स पोटेंशियल एट विच फोटो करंट बिकम्स जीरो। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, अभी हम ये आपको दो डेफिनेशन लिखाएंगे और उसके बाद आज का लेक्चर क्लोज करेंगे। तो लिखिए सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा, सैचुरेशन करंट इसमें लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग पोटेंशियल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऑन इंक्रीजिंग पोटेंशियल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऑन इंक्रीजिंग पोटेंशियल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इनिशियली करंट इंक्रीजेस स्लाइटली, इनिशियली करंट इंक्रीजेस स्लाइटली, इनिशियली करंट इंक्रीजेस स्लाइटली, आफ्टर दैट it becomes constant, after that it becomes constant. Sir, forward direction. On increasing potential in forward direction, on increasing potential in forward direction, initially current increases slightly, initially current increases slightly. After that it becomes constant, which do not increase with time. After that it becomes constant, which do not increase on further increase of potential, and this constant value of current is called saturation current. ठीक है, तो आज बच्चों यहीं पर रहते हैं सैचुरेशन करंट तक। इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को क्लोज करने की। सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एक क्वेश्चन फिक्स से आना। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, मन लगा के पढ़ते रहिए। आज शाम में इस पे कुछ क्वेश्चन अगर हो सकेगा तो भेजूंगा, अगर नहीं भेजूंगा तो जिन्होंने कल वाला असाइनमेंट कम्प्लीट नहीं किया है वो आज का असाइनमेंट क्या करेंगे, आज वही असाइनमेंट को कम्प्लीट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड ज्वाइनिंग। बोलिए सर, कल का जो असाइनमेंट हमने दिया था ना उसमें डाउट था। हाँ, उसमें डाउट था क्या, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट थे सर? 60 नंबर का जो क्वेश्चन था ना। हाँ, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 60 नंबर क्वेश्चन बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो कुछ ऐसा है, सही वजह देखेंगे, जिनको डाउट था वो रुक जाएंगे दो मिनट के लिए, दो चार मिनट के लिए, और ये वाला देख लेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन में एक ऐसा सर्किट अपने को दिया हुआ है, बीच में एक एलईडी लगाया है,
बीच में एक एलईडी लगाया है, ऊपर जो है एक रेसिस्टेंस लगा करके इस पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है 6 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट, और नीचे जो है इसको ग्राउंड किया हुआ है। ग्राउंड करने का मतलब क्या हुआ, ग्राउंड करने का मतलब हुआ यहाँ का पोटेंशियल हो गया 0 वोल्ट। ठीक है, ये है ए, ये है बी। अब बोल रहा है कि ये पूरा का पूरा सर्किट है, ये कौन सा गेट अरेंज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों, अगर दोनों ही गेट ओपन है, अगर ये दोनों ही स्विच ओपन है, ए और बी दोनों ही ओपन है, तो ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, करंट डायरेक्ट इधर से यहां तक फ्लो करेगा और ये क्या होगा, ग्लो करेगा। यानी ए जब जीरो है, बी जब जीरो है, तो आउटपुट अपने को मिल रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। पहला ये हो गया। दूसरा देख रहे हैं क्या, दूसरा देख रहे हैं बच्चों, अब हमने क्या किया, अब हमने ए को क्लोज कर दिया और फिर देख रहे हैं, जब ए को क्लोज कर दिया तो इधर से करंट यहां तक तो आएगा, लेकिन इसके आगे सर्किट टूटा हुआ है तो इधर फ्लो नहीं हो पाएगा, यानी अभी भी करंट यहां से यहां तक आ रहा है। तो इस बार ए कितना है, ए क्लोज है मतलब ए वन, बी ओपन है मतलब बी जीरो, और आउटपुट अभी भी ग्लो हो रहा है बल्ब, तो आउटपुट आ रहा है वन। फिर उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद बच्चों हमने ए को ब्रेक कर दिया, ए को क्या किया, ए को ब्रेक कर दिया। देखिए यहां पे हमने ए को ब्रेक कर दिया और बी को क्लोज कर दिया। जब ए को ब्रेक करके बी को क्लोज कर दिया, तब हम देख रहे हैं तब भी करंट जो है डायरेक्ट यहां से आ रहा है, तब भी बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। यानी जब ये ए जीरो है, बी वन है, तब भी बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है। और लास्ट मोमेंट पे हम क्या कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे हम दोनों को क्लोज कर रहे हैं। जब दोनों को हमने क्लोज कर दिया तब क्या होगा, तब करंट यहां तक तो आएगा, लेकिन इधर रेसिस्टेंस है, जबकि इधर कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं है, तो करंट यहां से अपना रास्ता इधर से फ्लो कर लेगा, इधर से करंट जाएगा ही नहीं, तो ये लाइट ग्लो नहीं करेगा। यानी जब ये भी वन है, ये भी वन है, तो ये जीरो के आसपास आ रहा है। अब खुद देखिए कि ये ट्रूथ टेबल किसका है, जीरो जीरो को जीरो कौन बताता है, जीरो जीरो को जीरो एंड बताता है। देखो एंड गेट का आपने देखा होगा, एंड गेट में क्या था, एंड गेट सेज इफ एनी इनपुट इज जीरो देन आउटपुट विल बी जीरो अदरवाइज वन। तो ये जो अपने को आउटपुट मिल रहा है, ये बिल्कुल एंड का अपोजिट मिल रहा है, एनी इनपुट इज जीरो देन आउटपुट इज वन आ रहा है। तो एंड का अपोजिट क्या होता है, एंड का ऊपर क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, मींस दिस इज नैंड गेट, एन ए एंड डी। सही बच्चे बताएंगे, क्लियर है क्या वाला क्वेश्चन, आप नैंड का ट्रूथ टेबल देख लीजिएगा, बिल्कुल यही ट्रूथ टेबल आता है नैंड का, ठीक है ना। तो इसीलिए कौन सा गेट है, नैंड गेट। बच्चों आप लोग क्वेश्चन सोल्व करते रहिए, और जो भी डाउट होगा उसको भी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, उसके लिए बेफिक्र रहिए, ठीक है। अगर आज कुछ असाइनमेंट और भेजूंगा तो उसको भी कर लीजिएगा, अदरवाइज कल वाला तो जरूर ही कंप्लीट कर लीजिएगा। मन लगा के पढ़ते रहिए।